संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी की मौत, परिजनों ने दोस्त पर जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत महावीरगंज के रहने वाले एक व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मृतक व्यापारी के परिजनों ने दोस्त पर हत्या करने की आशंका जताई है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी देते हुए मृतक के भाई राजू वार्षणेय ने बताया कि मृतक का नाम पंकज वार्षणेय पुत्र राकेश वार्षणेय है। उन्होंने बताया कि मृतक पंकज बुधवार रात्रि करीब 9:30 बजे अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान बाजार का ही उसका एक मित्र उसके पास आया और उसे अपने साथ ले गया। उनका कहना है कि 10:15 पर उन्होंने साथ ले जाने युवक को फोन किया तो उक्त युवक ने उनको पंकज का साथ होने से इनकार कर दिया। राजू का आरोप है कि करीब 10:30 बजे उक्त युवक का कॉल आया और उसने पंकज का एक्सीडेंट होने की बात बताते हुए जेएन मेडिकल कॉलेज आने की बात कही। वहीं जब मृतक का भाई व अन्य परिजन जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने हालत गंभीर होते हुए वरुण ट्रॉमा ले जाने की बात कही, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने साथ ले जाने वाले दोस्त पर हत्या करने की आशंका जताई है। मामला किस तरह घटना हुई थी? 9:00 बजे दुकान पे आया, 9:30 बजे दुकान बढ़ाई मैंने, 9:30 बजे आता है बॉम्बे वालों का लड़का और इसको अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाता स्कूटर पे, चल भाई चल पंकज। मैं कह रहा हूँ कहीं आ रहे हो भाई, अभी आते हैं हम। और उसके बाद पापा मेरे फोन में आते हैं 10:40 पे, तो मेरे साथ नहीं है ये। फिर 10:54 पे मेरा फोन आ जाता है, मेरे फोन पे फोन आता है वो पंकज का एक्सीडेंट हो गया, बहुत कहा फटाफट आया मेडिकल। कितने बजे आया तकरीबन? 10:54 पे सर। फिर 10:40 पे कहता है मेरे साथ नहीं है ये। फिर क्या हुआ? और 10:54 पे वहाँ पे मेडिकल जाता हूँ मैं भागता हुआ जैसे भी अपने स्कूटर से, इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। फिर कई डॉक्टर ने इसको वरुण ड्रामा ले जाइए आप, रास्ते में वरुण ड्रामा ले गए इसका एकदम रास्ते में। क्या लगता है इस घटना के पीछे आपको? उसने अब तो जांच का विषय है साहब, असली बात तो ये जांच होनी चाहिए इसके लिए। इसकी शिकायत करी पुलिस से? अभी तो हमने कुछ नहीं दिया, इन्हें कह दिया पहले ये काम कराइए अपने भाई का। कितनी उम्र रही होगी भाई की? 33 साल की उम्र है सर। तो कहाँ कहाँ बुला के किस कह के लेके गए थे? दुकान से लेके गया था, इसकी दुकान सामने ही है, ठीक दुकान के। कौन लेके गया था बुला? बॉम्बे वाले। नाम अग्रवाल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू, इसका बड़ा भाई हूँ। क्या मामला, किस तरह घटना हुई थी? ये जो घटना हुई है इसमें पंकज वार्षणेय की जो मृत्यु हुई है, समय पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हुए हैं। पंकज वार्षणेय, स्वर्गीय पंकज वार्षणेय, जो आयु लगभग 32 वर्ष है, और श्री राकेश कुमार वार्षणेय निवासी महावीरगंज, उनके सुपुत्र हैं ये। ऐसा बताया जाता है, इनके पिता ने बताया, इनके भाइयों ने बताया है कि ये चार भाई थे, चार में ये तीसरे नंबर के थे और दो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। यहाँ तो ये घटना हो गई। विषय ये है कि एक इस लड़के के पास में, पंकज जो मृतक है उसके पास एक लड़का आया था बॉम्बे साड़ी सेंटर करके, गली गुल्लू जी का बॉम्बे शूटिंग सेटिंग करके, यतेंद्र अग्रवाल नाम है उसका। उसको बिना बुलावे के उसको किसी ने कार्ड दिया था, मुस्लिम कोई उनका कोई क्लाइंट होगा या जो भी होगा व्यापारी होगा, तो उसके यहाँ ये शादी में ले गया है उसको जबरदस्ती, पंकज को घर वालों ने बताया। जब खबर नहीं मिली रात को तो इन्होंने फोन किया उसको, भैया क्या है? तो उन्होंने मेरे साथ नहीं है यतेंद्र अग्रवाल ने मृतक पंकज के लिए ये कह दिया 10:40 पर कि मेरे साथ नहीं है। उसके बाद खुद 14 मिनट बाद में उसका फिर पलट का फोन आता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है पंकज का, और आप जल्दी से वरुण ट्रोमा में आ जाओ, मेडिकल में आ जाओ, है ना। अब ये घर वाले जब पहुंचते हैं तो वहां वो मृतक अवस्था में, मतलब उसको थोड़ा सा था, जो भी था जो हल्की सी जान बताते हैं घर वाले भाई वगैरह, इधर आ जाओ। तो वो घर वाले इन भाई हैं उनके भाई, और ये सारी घटना घट गई। उसके बाद में एक ये विषय जो थोड़ा सा एक्शन कहां पर बताया, ये एक्सीडेंट ये बताया दीवानी के सामने जो जवाहर भवन वाली पट्टी है उसके सामने का है, जो मजार के सामने का। पहले क्वारसी बताया था, फिर बाद में यहाँ बताया, गुमराह किया है। क्या लगता है इसके पीछे? अब ऐसा लगता है संदेह लगता है भाई, ये मेडिकल इन्होंने दीनदयाल हॉस्पिटल में संयुक्त जो चिकित्सालय है वहां जो इमरजेंसी के डॉक्टर थे, डॉक्टर तो उनसे इन्होंने एक मीमो लिखाया उन्होंने डॉक्टर ने, श्रीमान थाना अध्यक्ष सिविल लाइन, इस तरीके से 10-12 लोग मेरे यहाँ पर शराब पीकर आए, और जिसमें एक ये घायल अवस्था में था, जो मृतक स्थिति में था, मृतक था ये, और उन्होंने सरकारी कार में बाधा, जो दरोगा जी, जो लोकेश सिसोदिया जी हैं यहाँ पर, जो आए हुए हैं पंचनामे के लिए, उनके पास में वो मीमो है,
उस पर उनकी इमरजेंसी इंचार्ज की मोहर भी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये रात को 1:15 पे उन्होंने जो समय डाला है आज की 14:15 की रात्रि का, तो थोड़ा संदेश पत्तो लगता है भाई। पहले ये बच्चा मना करता है यतेंद्र अग्रवाल कि मेरे साथ नहीं है, 14 मिनट बाद में फिर कहता है कि आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पर मेडिकल में, ये इसकी स्थिति खराब है, एक्सीडेंट हो गया है। तो आपके द्वारा तहरीर दी गई पुलिस को? अभी पुलिस को तहरीर देंगे, पहले पंचनामा करा रहे हैं, उसके बाद में तहरीर भी देंगे, FIR भी लिखाई जाएगी इनके घर पर, परिजनों के द्वारा, पिता के द्वारा या भाइयों के द्वारा जो भी होगा। और इनका रो रो के परिजनों का बहुत बुरा हाल है, दो छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत बुरा हाल है और बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? राजीव लीडर।